हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन रणवीर दीतिमन। DSSSB शिक्षक भर्ती का शॉर्ट नोटिस जारी हुआ था और अब जो है डिटेल में एडवर्टीजमेंट जारी हो गया है मेन साइट पर। आयु योग्यता चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, यहाँ बिना बीएड भी जो है कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा यदि आपका सब्जेक्ट यहाँ पर है तो आप बिल्कुल अच्छे से देखेंगे, और अगर नहीं भी है तो भी आप देखिएगा, क्योंकि आगे जो वैकेंसी, अभी इतनी सी वैकेंसी तो से तो काम नहीं चलेगा। DSSSB की तरफ से अभी PRT, TGT, PGT की सभी की जो है वो वैकेंसी अभी आनी बाकी है। यहाँ पर जो है हम ये देखेंगे कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में जो है वो आयु क्या रहेगी, क्योंकि वही आपके सब्जेक्ट में भी रहेगी। योग्यता चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, ठीक है। तो ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं जहाँ बिना बीएड के भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो सारी चीजें जो है वो अभी आप जान लें, जिससे कि जो है मेंटली प्रिपेयर आप लोग हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखें 36 पेजों की ये PDF फाइल है, एडवर्टीजमेंट नंबर 2/23। ओपनिंग डेट मैंने आपको बता दी थी 17 अगस्त है, और क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन करने की 15 सितंबर। अभी यहाँ पर जो सब्जेक्ट मैंने आपको मॉर्निंग में बताए थे वो सब्जेक्ट ही हैं यहाँ पर पोस्ट। तो यहाँ ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर स्पेशल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी अभी है, अभी और वैकेंसी आएगी TGT, PGT, PRT में, क्योंकि इतनी सी वैकेंसी से काम नहीं चलेगा। अभी तो 1841 पोस्ट पर ही आई है, जिसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ जो है वो काफी है, ठीक है। तो अभी जो थोड़ा सा वेट करें और आपका भी जो है वो डिटेल में आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग ये जरूर देखें एज जो है यहाँ पर क्या रहने वाली है, मेल फीमेल की एज रिलैक्सेशन जो है वो किन्हें मिल रहा है, वुमेन को कितना मिल रहा है, ये सारी चीजें हम यहाँ जानेंगे। और ऐसे सब्जेक्ट जहाँ पर बिना बीएड भी के आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ जो है DSSSB की तरह एक नया जो है वो चेंजमेंट है, वो हम देखेंगे। यहाँ पर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर स्पेशल एजुकेशन टीचर के जो है वो 581 पोस्ट हैं। इसके अलावा जो है आप देख सकते हैं नॉन टीचिंग स्टाफ के हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी दिखा दिया था। और ये जो PDF फाइल का पूरा मैं लिंक जो है वो आप लोगों को दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। PGT संस्कृत मेल की जो है वो 13 है, और संस्कृत फीमेल की एक वैकेंसी है। यहाँ पर PGT इंग्लिश मेल की 21 है, और TGT कंप्यूटर साइंस की 6 है, ठीक है। एप्लीकेशन करने के लिए आप लोगों को मेन जो वेबसाइट है वहां पर आपको विजिट करना होगा एप्लीकेशन करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर म्यूजिक टीचर जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो हमें देखनी है, BA डिग्री विद म्यूजिक के साथ, ठीक है। इसके अलावा भी जो है हायर सेकेंडरी विद एनी वन, इनमें से जो है किसी में भी आपने हायर सेकेंडरी किया है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। एज जो है जिसके लिए बच्चे हमेशा देख रहे हैं DSSSB में काफी समय से, यहाँ पर जो है वो 32 साल जो है वो एज रखी गई है म्यूजिक टीचर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो संस्कृत में आप देखें, यदि जिसने बीएड किया है तो भी यहाँ पर अप्लाई कर पाएगा, और जिसने नहीं किया वो भी अप्लाई कर पाएगा। कैसे, यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है कहा है कि मास्टर डिग्री होना चाहिए आपका PGT संस्कृत के साथ, ठीक है। और साथ में जो है वो डिग्री या डिप्लोमा, यहाँ पर डिग्री वाले भी एलिजिबल है, बीएड वाले भी, और BTC जिन्होंने किया है वो भी एलिजिबल है। एक तो ये जो पॉइंट हो गया, ठीक है, ये जो है अच्छी बात होगी, क्योंकि डिग्री और डिप्लोमा दोनों ही यहाँ पर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही और भी जब PGT और TGT की वैकेंसी निकलेगी तो वहां पर भी आप लोगों को यही क्वालिफिकेशन देखने को मिलेगी। अभी जिनके पास जो है वो बीएड या कोई डिप्लोमा जो है BTC नहीं है वो भी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन है यहां पर आपके पास जो अगर PhD डिग्री है तो आप अप्लाई कर पाओगे, या आपने फर्स्ट डिवीजन हायर सेकेंडरी और MA में आपके जो है फर्स्ट डिवीजन रही हो तो आप एप्लीकेशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो और अच्छी बात हो गई, जिसके पास बीएड नहीं है, BTC नहीं है, वो भी यहाँ एप्लीकेशन कर पाएंगे। लेकिन इन्होंने कहा है कि जैसे ही जो है वो आप लोग क्वालिफिकेशन विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ हिज ज्वाइनिंग द सर्विस, आप लोगों की जब ज्वाइनिंग हो जाती है उसके 3 साल के अंदर जो है वो आप लोग बीएड या BTC जो है कर लें, ठीक है, ये कंडीशन है। तो ऐसे में आप लोग जो है अगर ज्वाइनिंग हो जाती है तो उसके बाद आप आराम से कर ही सकते हैं। एक्सपीरियंस जो है यहाँ पर नहीं होता है, एक ही एग्जाम होता है, कोई भी यहाँ पर इंटरव्यू नहीं होता है। पे स्केल जो है यहाँ पर 47,600 से लेकर 1,51,100 तक रहेगा। एज लिमिट यहाँ पर जो है PGT संस्कृत में जो है वो 36 ईयर है, ठीक है। तो आप ये चीज जो है वो देखें कि PGT जो है ऑल सब्जेक्ट में जो है वो 36 ईयर ही रहने वाली है। यहाँ पर जो है वो फीमेल कैंडिडेट की जो है वो सबसे बड़ी बात है, फीमेल कैंडिडेट को कितना एज रिलैक्सेशन जो है वो मिल रहा है नहीं मिल रहा है ये हम देखेंगे। अभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर भी वही चाहिए, संस्कृत अगर PGT में अप्लाई करते हैं तो मास्टर डिग्री PGT संस्कृत में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, और अगर डिग्री या डिप्लोमा नहीं है आपके पास PhD है तो भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। फर्स्ट डिवीजन हायर सेकेंडरी में पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और बीएड और BTC जो है वो आपकी सर्विस के दौरान जो है वो 3 साल के अंदर जो है वो आप कंप्लीट करके
आप यहाँ पर जो है वो बताएंगे। एज लिमिट जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वुमेन की 36 ईयर है, ठीक है। अभी मेल और फीमेल दोनों की ही पीजीटी में 36 ईयर है, तो ये चीज तो यहाँ पर क्लियर हो गई। बाकी इन्होंने लिखा है एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन एज पर द टेबल एट पैरा 7। तो अभी जो है एज रिलैक्सेशन किनको मिल रहा है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पर एस सी एस टी जो है इनको 5 ईयर की, जो ग्रुप बी और सी के लिए। ओबीसी जो है इसमें 3 साल की मिल रही है। पीडब्ल्यूबीडी जो है इनको 10 साल की, पीडब्ल्यूबीडी एस सी एस टी में 15 साल की और ओबीसी को 13 साल की, ठीक है। अब नीचे कहीं भी जो है वो अलग से जो है वो अनमैरिड या मैरिड वुमेन के लिए बिल्कुल भी एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया, यानी 36 ईयर जो है वो पीजीटी में रहेगी। यहां पर जो है विडो डिवोर्सिस वुमेन, ठीक है, इनको कहा है ग्रुप सी पोस्ट के लिए अप टू एज ऑफ 35 ईयर, अप टू 40 ईयर फॉर एस सी एस टी एंड 38 फॉर ओबीसी। तो ये चीज जो है यहाँ पर क्लियर हो गई है, ठीक है, कि वुमेन को जो है वो पिछली बार जो है हाई कोर्ट पे जब ये चीज चली गई थी तो एज रिलैक्सेशन जो है दिया गया था, बट अभी जो है यहाँ पर एडवर्टीजमेंट में जो है वो देखने को नहीं मिला है। एग्जामिनेशन स्कीम जो है यहाँ पर वन आपका जो है वो एक ही एग्जाम होगा, 200 मार्क्स का होगा। सिलेबस भी जो है इन्होंने यहाँ पर डाल दिया है, ठीक है। तो आप कंप्लीट एडवर्टीजमेंट में सारी चीजें देखेंगे, मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगी। कंप्लीट एडवर्टीजमेंट के लिए आप लोग मेन साइट जो है इसकी DSSB.delhi.government.in, ठीक है, यहाँ पर जो है होम पेज पर ही आपको दिखाई दे रहा है लेटेस्ट न्यूज के आगे लिखा है एडवर्टीजमेंट नंबर 2/23, ठीक है। तो आपको कहीं नहीं जाना है, यहाँ ऊपर ही जो है वो बिल्कुल इन्होंने दे दिया है लिंक। तो इसको जो है आप ओपन करेंगे, एडवर्टीजमेंट को डिटेल में देखेंगे, पढ़ेंगे और उसके बाद जो है आप लोग एप्लीकेशन करेंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।